हेलो गाइस, वेलकम इन टेस्टी बाइट्स। मैं हूँ रोमा और आज हम बनाएंगे रबड़ी कुल्फी इन डिफरेंट यमीएस्ट फ्लेवर्स, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं गाइस। रबड़ी कुल्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। आप चाहे तो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई बिल्कुल भी ना लें, उसमें दूध रिएक्ट कर जाता है। गैस हम ऑन कर देंगे और 1 लीटर दूध हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। इतने दूध में गाइस हमारी 10 से 11 कुल्फी बनके तैयार हो जाएंगे। इस दूध को हम उबालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा दूध हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं। इस पाउडर को हम मिल्क में अच्छी तरह से मिला लेते हैं, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे हम कढ़ाई वाले दूध में बाद में मिलाएंगे। दूध में हमारे उबाल आ गया है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध पक के आधा नहीं हो जाता। दूध हमारा आधा पक चुका है और इसी स्टेज पर हम इसमें पाउडर वाला दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। इसे हम चलाते जाएंगे, बचा हुआ पाउडर मिल्क भी इसमें डाल देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। इससे गाइस हमारी कुल्फी का दूध गाढ़ा और दानेदार हो जाएगा। इसे चलाते ज़रूर रहें, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। ये देखिए गाइस, हमारा दूध लगभग पक चुका है और ये गाढ़ा भी होने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल गाढ़ा और दानेदार रबड़ी वाला दूध बनके तैयार हो गया है। अब हम इसी स्टेज पर इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये हमने 100 ग्राम चीनी ली है, इसे हम इसमें डाल देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर चीनी घुल जाने तक 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। हमें इसमें चीनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाने से चीनी अपना पानी छोड़ देगी और हमारी कुल्फी अच्छे से नहीं जम पाएगी। हमारा बढ़िया सा रबड़ी दूध बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रबड़ी एकदम रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है और ये देखिए थोड़ी सी ये गाढ़ी भी हो गई है। अब इस रबड़ी के हम अलग अलग फ्लेवर्स बनाएंगे, जिसके लिए हम इन्हें अलग अलग बाउल्स में निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने इन्हें 4 बाउल्स में निकाला है और सबसे पहले हम इसमें केसर बादाम फ्लेवर बनाएंगे, जिसके लिए हम 2 चम्मच दूध एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसमें 2 पिंच केसर के धागे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि इसमें अपना रंग ना छोड़ दे। केसर दूध में अच्छी तरह से घुल चुका है, अब हम इसे इस बाउल में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप किए हुए बादाम, जिसे हमने एक चॉपर की हेल्प से फाइन चॉप कर लिया था। चॉप किए हुए थोड़े से बादाम हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से हम बाद में ऊपर से डालेंगे। आप चाहें तो केसर का अलग फ्लेवर और बादाम का अलग फ्लेवर भी बना सकते हैं, मैंने एक साथ बनाया है। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है और ये हो गया हमारा केसर बादाम का फ्लेवर तैयार। अब हम कॉफ़ी फ्लेवर बनाएंगे, जिसके लिए हमने ब्रू कॉफ़ी ली है। आप चाहें तो कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हैं। ये हम 1/4 चम्मच छलनी में छान कर इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और ये हमारा कॉफ़ी फ्लेवर भी बनके तैयार है। अब हम सभी का फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर डार्क चॉकलेट ले रहे हैं। आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। इस चॉकलेट को हम इस बाउल में ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मिनी चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें थोड़ा सा कोकोआ पाउडर भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसे छलनी में छान कर ले लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। गाइस, हमारा चॉकलेट फ्लेवर भी बनके तैयार है। अब नेक्स्ट हम इलायची फ्लेवर बनाएंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये हमारा इलायची फ्लेवर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए गाइस, हमने एक ही रबड़ी से अलग अलग तरह के फ्लेवर्स बना के तैयार कर लिए हैं। इन्हें हम इस तरह के आइसक्रीम मोल्ड में डाल के जमाएंगे। आपके पास अगर मोल्ड ना हो तो आप इन्हें प्लास्टिक के गिलासों में भी डालकर जमा सकते हैं। ये हम केसर बादाम फ्लेवर इसमें डाल देंगे। थोड़े से फाइन चॉप किए हुए बादाम हम इसमें गार्निश कर देंगे और ये लोअर साइड में बहुत ही अच्छे दिखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी फ्लेवर। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ऊपर से कॉफ़ी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर
ये फ्लेवर तो सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा फाइन चॉप की हुई चॉकलेट गार्निश करेंगे। अब हम हमारा इलायची फ्लेवर इसमें डालेंगे और इन सभी मोल्ड्स को हम बड़े आराम से बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल सिधाई में पकड़ते हुए डीप फ्रीजर में हम इसे 5 से 6 घंटे जमने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे हो गए हैं और हमारी कुल्फी बनके तैयार हो गई है। इसे निकालने के लिए हम इसे 2 मिनट पानी में रखेंगे ताकि हमारी कुल्फी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए गाइस, हमारी कुल्फी कितने ही आराम से निकल गई है। अब हम बाकी की कुल्फियां भी निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने सभी कुल्फियां निकाल के तैयार कर ली हैं। हमारा कॉफ़ी फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर और केसर बादाम फ्लेवर बनके तैयार है। आप इन्हें एंजॉय कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो टेक केयर एंड गुड बाय।